कुछ लोग ऐसे कारनामे कर गुजरते हैं जिन पर दुनिया दांतों तले उंगली दबाने पर मजबूर हो जाती है। एक ऐसे ही शख्स ने जोधपुर में स्कूल के बच्चों के सामने अपने कर्तव्य दिखाए। ये वो शख्स हैं जिनका नाम 4 बार गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो चुका है। इससे पहले कि हम इस शख्स के बारे में आपको कुछ बताएं, आप इसके कुछ कर्तव्य देखिए। ये देखिए, ये शख्स अपने दांतों से 20 किलो का वजन कैसे उठा रहा है। इतना ही नहीं, इसके और भी कर्तव्य देखिए। अब ये इस बेंच को कैसे अपने दांतों से उठा रहा है। स्कूली बच्चों की मौजूदगी में ये अपना एक कर्तव्य दिखा रहा है। बच्चे भी इस शख्स के कर्तव्यों को बड़े गौर से देख रहे हैं। अब देखिए ये क्या होने जा रहा है। इनके सीने पर पत्थर रखा जा रहा है जिसका वजन है 50 किलोग्राम। और अब देखिए पत्थर पर चला हथौड़ा और पत्थर हो गया 2 टुकड़े। इन जनाब ने बस भी अपने बालों से खींची। ये देखिए, ये स्कूल की बस इनके बालों से बंध गई और इन्होंने इसे खींचना शुरू किया। 5 टन की बस को इन्होंने पूरे 150 फुट की दूरी तक खींचा। लेकिन ये सब इनके लिए नया नहीं है। अब इन जनाब का आपसे परिचय करा देते हैं। इनका नाम है सुरेश कुमार चौधरी। इनका नाम 4 बार गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज हो चुका है। ये शाहबाज इंडिया कार्यक्रम के सफल प्रतिभागी रहे हैं। ये उड़ीसा के कटक के SDM थे और फिलहाल पोर्ट ब्लेयर में स्टेट स्पोर्ट्स ऑफिसर के पद पर तैनात हैं। इनका नाम गिनीज बुक में किन किन कारनामों के लिए आया, इन्हीं से सुनते हैं। 1983 में शिकागो में जाकर के बिना खाए बिना पिए बिना सोए 360 घंटे साइकिल चला करके प्रथम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड का आदमी बना, जहाँ की 1,25,000 आदमी को इकट्ठा किया था। 96 में हमने पालम हैडा दिल्ली के अंदर हिंदुस्तान का सबसे बड़ा विमान बोइंग 777 को अपने बालों में बांध करके 150 से 200 फुट तक खींच करके दूसरा गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रचना किया। रेलवे की डीजल इंजन को अपने बालों में बांध करके 200 से 250 फुट तक खींच करके तीसरा गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया। 97 में ही हमने 22 नवंबर को मुर्शिदाबाद बहोरनपुर में मैंने अखंड 72 घंटे जल समाधि लगा करके दुनिया को और चौंका दिया। जोधपुर में इन्होंने बच्चों के सामने हैरत अंगेज कर्तव्य दिखाए। इन्होंने ये सब काम योग शक्ति प्रदर्शन के तहत दिखाया और अब इनका सिर्फ एक लक्ष्य है। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड का एक लक्ष्य रखा हुआ है, मोर देन 20,000, 20,000 जब प्रोग्राम होगा तो दुनिया का सर्वश्रेष्ठ आदमी मैं बनूंगा। कितने प्रोग्राम कर चुके हैं अभी तक? मैंने 16,921 प्रोग्राम आज किया। जब ये अपना 20,000वां कार्यक्रम कर लेंगे तो इनका नाम एक बार फिर गिनीज बुक में दर्ज होगा और इन्हें तकरीबन 2 करोड़ रुपए मिलेंगे। इस राशि का भी इस्तेमाल ये लोक कल्याण के लिए करना चाहते हैं। गिनीज बुक से मिलने वाली रकम ये अपने अनाथालय के 500 बच्चों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए खर्च करेंगे। और आखिर में एक बात और, इन्होंने अपना देहदान भी किया है ताकि उससे भी जाते जाते लोक कल्याण कर सकें। प्रदीप जोशी, सहारा न्यूज ब्यूरो, जोधपुर।